मन की बात एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है जो बिना रुके, बिना किसी बाधा के, बिना किसी व्यवधान के है। 104 एपिसोड पूरे कर चुका है और इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश के अलग-अलग हिस्सों से जो अलग-अलग हमारे समाज के लोगों ने जो इनिशिएटिव लिए होते हैं, जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में, ऐसे लोगों को एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस मन की बात के माध्यम से दिया है, जहां उनको एक्सपोजर मिलता है, जहां उनको पहचान मिलती है। और आज भी मैं देख रहा हूं कि हमारे देश के साइंटिस्ट ने जो एक बहुत ही बड़ा कार्य किया है, ऐतिहासिक कार्य किया है, चंद्रयान 3 की जो सफल लैंडिंग, लैंडिंग के बाद फिर उसके बाद आगे की जो रिसर्च की जो सारी प्रोसेस है वो सफलतापूर्वक की है, उसके लिए मैं बधाई भी देता हूँ सभी साइंटिस्ट को। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष तौर से आज के इस एपिसोड में उन साइंटिस्ट को बहुत बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है कि हमें यहीं नहीं रुकना है, हमें और आगे जाना है। और इस सफलता के लिए पूरा देश जो है उनको आज याद कर रहा है और देश उनको पूरा सम्मान दे रहा है। और भारत की पहचान पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जिस प्रकार से इस अभियान के माध्यम से बनी हुई सफलता के पश्चात, तो वो एक नया आयाम भारत के लिए होगा। और उसी तरह से खेल के क्षेत्र में और ख़ास तौर से जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो ज़मीन से जुड़ी हुई खेलों के बारे में जिक्र करते हुए जिस प्रकार से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने आज अपनी बात में, मन की बात में जिक्र किया, तो स्वाभाविक रूप से और उनके साथ इंटरेक्ट किया जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, भारत का नाम रोशन किया, और उसमें उनको प्रोत्साहित करके उनको एक अवसर प्रदान किया कि राष्ट्रीय परिदृश्य में आने वाले समय में जिस प्रकार से बाकी नौजवानों को भी वो प्रेरित कर सके, उस तरह से भी उन्होंने बातचीत करके उनके साथ इंटरेक्ट किया। और उसी तरह से भारत की जो हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कार है, और उसके साथ साथ में हमारी भाषा, संस्कृत भाषा पर विशेष तौर से आज उन्होंने जिक्र किया। ऐसी बहुत सारी चीज़ों को जोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से इस मन की बात का 104 जो हमारा 104वां जो हमारा एपिसोड पूर्ण हुआ, उसके माध्यम से पूरे देश को प्रेरणा दी है। और मैं इस सफल कार्यक्रम के लिए जो लगातार बिना बाधा के, बिना व्यवधान के आगे बढ़ता जा रहा है, उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।